एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज। इस सब्जी को आपने रेस्टोरेंट में जाके खाया होगा, तो आज हम इसे घर पर बनाएंगे और एकदम रेस्टोरेंट टेस्ट वाला। तो फ्रेंड, देर की इस बात की, चलो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है सब्जियाँ। तो एक गाजर, एक शिमला मिर्ची, थोड़ी सी बीन्स, पनीर, मटर, आलू और गोभी। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे ले सकते हैं। इस सब्जी से कम 5 लोग खा सकते हैं। इसी के साथ मैंने 2 टमाटर, 2 सूखी लाल मिर्ची, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची को पीस लिया था, और थोड़े से काजू, मगज और तिल डालकर दूध में 1/2 घंटा भिगोकर इसे भी पीस कर ले लिया था। अब बनाएंगे सब्जी के लिए मसाला। तब ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्ची और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। तो हमारी सब्जी का मसाला हो गया है रेडी। तो अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पे रख दिया है पैन। पैन में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम पनीर को हल्का सा फ्राई करेंगे। हम बहुत फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा। पनीर हल्के से फ्राई होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहो तो पनीर को बिना फ्राई भी डाल सकते हो, पर मुझे फ्राई करके ही पनीर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ। तो बस हमारे पनीर हो चुके हैं। अब तेल में डालेंगे आलू। आलू को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले आलू को डालेंगे। कुछ सब्जियाँ जल्दी पकती हैं और कुछ सब्जियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं। तो सबसे पहले हम आलू को डालेंगे। आलू को हल्का सा हम होने देंगे। तो देखो, हल्का हल्का सा क्रिस्पी जैसा लेयर आ गया है। अब इसमें ऐड करना है फूल गोभी। अब फूल गोभी डालकर हमें इसे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, मतलब थोड़ा सा भून लेना है। तो देखिए, हमारी फूल गोभी भी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर। तो जो सब्जी को थोड़ा टाइम लगता है वो हम पहले डालेंगे, और जो सब्जियों को हम कम टाइम में पक जाती है उसे बाद में डालेंगे। तो हमने गाजर को भी हल्का सा भून लिया है। अब इसके साथ जाएगा बीन्स, और बीन्स को भी हम सिर्फ 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे सब सब्जियों के साथ। तो जैसे जैसे सब्जियां भूनती जा रही है, वो अपने आप पकती भी जा रही है। तो हमने बीन्स को भी हल्का सा भून लिया है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची बहुत जल्दी से पक जाता है, इसलिए सबसे लास्ट में डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब हल्का सा हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए, और देखिए 1 मिनट में सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई है। कम से कम 70% सब्जियां हमें ऐसे ही पका लेना है। तो हमारी सब्जियां अच्छे से पक गई है। अब हम सब्जियों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमने सारी सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लिया है, और अच्छे से सब्जियां हो चुकी है। तो हमारी सब्जी कम से कम 70% पक गई है। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। और हमने कुछ खड़े मसाले लिए। हमने लिए तेजपत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्ची, 1 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची, जीरा और 2 दालचीनी। इसे तेल में अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा हींग। अगर आप लहसुन पसंद करते हो तो आप इसमें लहसुन और 1 प्याज को काट के डाल सकते हो। अब हमने डाल दिया जो हमने मसाला बनाया था सब्जी के लिए, वो डाल दिया। इसे भी हम भून लेंगे जब तक इसमें तेल अलग ना हो जाए। तो मसाला अच्छे से भून उठा है, इससे तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। ये खाली टमाटर नहीं था, इसमें हमने अदरक, लाल मिर्ची भी पीसा था। तो बस अब इससे भी हमें अच्छे से पकने देना है। तो टमाटर के छींटे ना आए, इसलिए हम इसे ढककर अच्छे से पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट में हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं और तेल रिलीज़ हो गया है। बस इसे अच्छे से भून लेंगे, चला लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें ऐड कर देंगे हम काजू, मगज और तिल वाला पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे। तो रेस्टोरेंट में आप जो सब्जी खाते हो, मिक्स वेज पनीर, उसमें ये डाला जाता है। इससे ही क्रीमीनेस सब्जी में आता है, और इससे टेस्ट बहुत ही वंडर हो जाता है। तो अब इसमें डाल देंगे हम सब्जियां। तो हमने सब्जियों को पहले ही 70% पका लिया था तेल में। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। मसालों के साथ सब्जियों को अच्छे से कोट होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे मटर। तो ये फ्रोज़न मटर है, अगर आप हरी मटर लोगे तो बॉईल करके डालिएगा।
अब इसी में जाएगा एक चम्मच कस्तूरी मेथी। तो हाथ से रगड़ के डालिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कस्तूरी मेथी से ना, सब्जी में फ्लेवरिंग बहुत अच्छी होती है। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और इसे हम एक मिनट के लिए लीड लगा के पकने देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर सब्जी में उतर जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो जो मैंने काजू वगैरह पीसा था उसी को अच्छे से मिक्सी की वाटी को धोकर ऐड कर दिया है। अब ये अच्छे से हमने, आपको अपने अनुसार पतली या गाढ़ी ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच चीनी। चीनी से ये सब्जी मीठी नहीं होगी, सिर्फ अच्छे से इसका जो टेस्ट है इन्हांस हो जाएगा। और आधा चम्मच गरम मसाला। अब सब्जी में अच्छा उबाल आ गया है, इसमें डाल देंगे लास्ट में पनीर। तो पनीर डालने के बाद सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसमें जाएगी दो हमने गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची डाली, मिर्ची से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब बस अब इसे हमें लीड लगाकर 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी देखिए कितनी अच्छी पक गई है, ऊपर ऊपर अच्छे से इसमें तेल छोड़ दिया है, यानी हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अब इसमें डालेंगे लास्ट में हरी धनिया, हरी धनिया से हम गार्निश करेंगे। तो हरी धनिया से सब्जी का टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बन चुकी है। तो फ्रेंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्जी को अब करते हैं सर्व। तो आप इसे नान, कुलचा, फुलका, तंदूरी नान, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छा पराठा किसी से भी सर्व करिए। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है, आप इसे जिसे भी खिलाओगे ना कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये रेस्टोरेंट से लाया है कि आपने घर पर बनाया। तो फ्रेंड इसे ज़रूर